बताइए, ये जो छोटी जाति को थी मजा लेने के लिए होती है औरत, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है? अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? तुम वर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ, लिए आई थी बेचू से दवा होती उनकी है। वो जो सीओ हमको पकड़ा सर, कह रहा था रात में तो मजा जो हमको चाह रहा था वो नहीं मिला, इसलिए हम दिन में आए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस वीडियो में उस महिला के सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या छोटी जाति की औरत सिर्फ मजा लेने के लिए होती है? न सिर्फ हम इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, बल्कि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कैसे आजमगढ़ की ये घटना न सिर्फ सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाती है, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दे करके ढोंग करने वाले सरकारों की असलियत आपके सामने लाती है। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको ये भी बात समझ में आएगी कि दलित होने के बावजूद मुन्ना पासवान और उसके परिवार का जो रहन सहन और जीवन स्तर दलितों की तरह नहीं दिखता था, बॉडी लैंग्वेज बाऊ साहब के सामने डरी हुई सी नहीं दिखती थी, उसी की सजा शायद मिली है मुन्ना पासवान को। उसका घर तहस नहस कर दिया गया है, पूरा सामान तोड़फोड़ कर दिया गया है, महिलाएं पुलिसिया जुर्म और बदसलूकी की शिकार हो रही हैं, धरने पर बैठी हैं, अनशन पर बैठी हैं, और इस पूरे कारगुजारी के मुख्य सूत्रधार हैं थाना अध्यक्ष तारकेश्वर राय और सीओ सगड़ी गोपाल स्वरूप वाजपेयी और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह। इनकी शान में हम बाद में कसीदे गड़ेंगे, उससे पहले पुलिस और मुन्ना पासवान यानी कि महिलाओं का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे बवाल के पीछे जड़ क्या है। तो शुरुआत करते हैं आजमगढ़ के रौनापार थाने के ग्राम पलिया के ग्राम प्रधान पति मुन्ना पासवान के बयान के हिसाब से, जो बयान उन्होंने एससी एसटी कमीशन को भेजी हुई शिकायत में दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि 29 जून को संतोष और लिप्टन इन दोनों की आपस में कहा सुनी हुई, जिसमें लिप्टन ने संतोष को चाकू मार दिया। प्रधान होने के नाते संतोष मुन्ना पासवान को लेकर के लिप्टन के घर पहुंचे, जहां उनके पिता आनंद विश्वास के साथ इन दोनों की बहस होना शुरू होती है। इसी बीच में लिप्टन के घर से कोई 112 नंबर पर फ़ोन कर देता है, वहां से पुलिस आती है, पुलिस अपनी भाषा में गाली गलौज करती है, माँ बहन की गालियाँ देती है, उससे कहती है पासी घासी तुम प्रधान हो गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उनके साथ मारपीट भी करती है मुन्ना पासवान के साथ। इसी बीच में मुन्ना पासवान की नाक से खून गिरने लगता है। ये देखते हुए मुन्ना पासवान के कुछ साथी पुलिस से उलझ जाते हैं। इसके बाद पुलिस बल कई थानों का बुलाया जाता है, 3-4 JCB बुलाई जाती हैं। मुन्ना पासवान और श्यामदेव पासवान के बेटे स्वतंत्र कुमार, स्वामदेव पासवान अधिशासी अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए थे, इसलिए इन लोगों के घर ठीक ठाक बने हुए हैं जैसा फोटो में नजर आ रहा है। अब आरोप यह है मुन्ना पासवान पक्ष का कि JCB मंगवा करके बुरी तरीके से उनके मकान ध्वस्त कर दिए गए। यह आरोप दिख रहा है सामने, मकान ध्वस्त किए गए हैं, आयसर ट्रैक्टर ध्वस्त किया गया, ये भी फोटो में और वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना जरूर नहीं दिखाई दे रहा कि 50 लाख के जेवर 6.5 लाख नकदी, क्योंकि मुन्ना पासवान के घर में अपना एक भट्टा भी है, तो भट्टे से जो पैसा आया था ईंट भट्टे से, वो 6.5 लाख रुपए भी लूट लिए गए हैं। घर में अनाज से लेकर के सब पूरा सामान तहस नहस कर दिया गया है, ये भी फोटो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इस पूरी घटना होने के बाद पीड़ित मुन्ना पासवान पक्ष के ही 27 लोग नामजद कर लिए जाते हैं, 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये है मुन्ना पासवान पक्ष का बयान। इसके अलावा महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई है वो बयान आपने पहले ही सुन लिया है, और विस्तार से सुन लीजिए। इज्जत नहीं होती है? अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? तुम वर्दी पहने हो, रात में मजा लेने के आते हो गरीब महिलाओं के साथ, एसओ जो है रात में उसका मजा नहीं पूरा हुआ, फिर दिन में आया, फिर रात में आया दूसरे दिन, इसीलिए मैं भाई ये जो हमारे सर लोग आए, हम हाथ जोड़ के निमंत्रण किए हैं कि यहाँ से मत जाइए, हम लोग सेफ नहीं है, इसीलिए ये लोग रुके हैं 2 दिन से।
हमको यही मांग है सर कि योगी जी आए, ये अपना जो दिए हैं उन लोगों को वर्दी, उनका वो देखें कि क्या वो फायदा उठा रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो अपने बच्चन के लेके फांसी लगा लेंगे, इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं। जब हमारे घर के हम लोग अपने घर के चौखट नहीं नाकते थे सर, हम लोग भी महारानी हैं, ये तो अफसर बोल के गया, ये मजा नहीं मिला रहती है। क्या है, क्या है ये इज्जत? योगी जी क्या इज्जत दे रहे हैं बेटियों को? कोई ना कहते हैं योगी मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तुम तो निंगा कर दिए। मेरा ससुर हमको पेटीकोट में देखे। अब आते हैं कि पुलिस का इस मामले में क्या पक्ष है। देखिए, पुलिस खुद एसपी साहब सुधीर कुमार सिंह खुद दो बार अलग अलग बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने बयान दिया कि रौनापार में एक डॉक्टर की प्रधान समर्थक पिटाई कर रहे थे, पुलिस पहुंच गई, पुलिस वालों को मारा पीटा गया, गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, प्रधान और उसके समर्थकों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को पीटने वालों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। जब चारों तरफ से दबाव पड़ा तो एसपी साहब सुधीर कुमार सिंह जी की थोड़ी सी भाषा परिवर्तित हुई, लेकिन थोड़ी सी हुई क्योंकि वो सुधीर कुमार सिंह साहब हैं। भाषा क्या परिवर्तित हुई? अब उनका बयान ये है कि पलिया बाजार में 29 जून को शाम 6:30 बजे मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा बाजार में आती जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने और वीडियो बनाने पर लिट्टन विश्वास के साथ मारपीट की गई। आगे की कहानी उन्होंने उसी तरीके से गढ़ दी है। इतना जरूर किया कि पहले उन्होंने कहा कि अपने आप से ही इन्होंने घर में पूरी तोड़फोड़ कर ली। क्या ये संभव है? अपना घर इतनी बुरी तरीके से कोई तोड़ सकता है? अपने ट्रैक्टर को कोई गिरफ्तारी से बचने के लिए इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर सकता है? किसी घर की महिलाएं महज गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरीके से कैमरे के सामने आकर के बयान दे सकती हैं, जिसके इस तरीके से उनकी इंसल्ट की गई, जबकि वो महिला पढ़े लिखे घर की है। जो महिला बयान दे रही है उसके पति खुद इंजीनियर हैं, अपने बयान में उसने बताया है। इसका मतलब पुलिसिया थ्योरी पर कहीं ना कहीं संदेह जरूर उठ रहे हैं। पुलिस ने पहले के अपने बयान से बदलते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी घर में तोड़फोड़ की है उन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुन्ना पासवान स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं ते तारकेश्वर राय थानाध्यक्ष कई थानों की पुलिस लेकर के आए थे, 2-3 जेसीबी लेकर के आए थे, मुन्ना पासवान और उनके अगल बगल के परिवार के तमाम घरों को तहस नहस उन्होंने कर दिया। खैर, इस पर जांच करने की बजाय एसपी साहब पुलिस का पक्ष लेते हुए ही दिख रहे हैं। अब हम एसपी साहब की बात कर लेते हैं कि सुधीर कुमार सिंह साहब को आखिर इतनी ताकत मिली कैसे हुई है। प्रमोटी आईपीएस हैं, यानी कि पीपीएससी इनका सिलेक्शन हुआ था 2009 बैच में, आईपीएस ये बनाए गए। सरकार आने के बाद चूंकि वो सुधीर कुमार सिंह साहब हैं तो प्रमोटी आईपीएस होने के बावजूद सरकार आने के बाद इनको गाजियाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिले में पुलिस कप्तान बनाया गया था। अब सुधीर कुमार सिंह जी की शान में कुछ कसीदे गढ़ देता हूँ। सुधीर कुमार सिंह साहब वही आईपीएस हैं जिनके ऊपर गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी रहे वैभव कृष्ण ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जिन 5 आईपीएस ऑफिसर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे उनमें ये भी एक हुआ करते थे। 7 महीने गाजियाबाद में रहे, 130 से ज़्यादा एनकाउंटर किए, सभी एनकाउंटर विवादों में आए और 7 महीने के कार्यकाल में ही गाजियाबाद में इतने चर्चित हो गए थे कि इनके अपने पीआरओ पंकज कुमार ने आरोप लगाया था कि 3 एसएचओ की इन्होंने ऐसे लोगों की पोस्टिंग कर दी थी जो मानक पर बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे थे। इसके बाद पीआरओ की जिले से तबादला ही कर दिया गया था। इन्हीं के गाजियाबाद एसएसपी रहते हुए 10 पुलिस कर्मियों पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था, जिनमें एक थानाध्यक्ष इन्हीं की सजाती लक्ष्मी चौहान भी थी, जिन पर 70 लाख रुपए गबन के आरोप लगे थे। इन्हीं के एसएसपी गाजियाबाद रहते हुए 2019 में जब एडीजी साहब निरीक्षण करने गए थे तो एक थाने पर निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा था कि आपके कई थानाध्यक्ष तो मर्सिडीज में घूमते हैं। हालांकि सिंह साहब के रसूख का आलम देखिए, गाजियाबाद एसएसपी के पद से 9 जनवरी 2020 को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हटाए जाते हैं, भेजा कहां जाता है,
आगरा पीएसी दिखावे के कारण, क्योंकि पीएसी को पनिशमेंट की पोस्टिंग माना जाता है, 5 महीने में ही सेटिंग करके 7 जुलाई 2020 को एसएसपी एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के एसएसपी बन जाते हैं। 1 महीने बाद ही फिर से दाव लगता है अगस्त 2020 में आजमगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जिले के पुलिस कप्तान बना दिए जाते हैं, जबकि इसके पहले जो पुलिस कप्तान थे उन पर लॉ एंड ऑर्डर न संभालने के आरोप लग रहे थे। महज 6-7 महीने में ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक प्रमोटी आईपीएस को जिले मिलने पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए, लेकिन रामराज्य है, आपको ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं सीओ सगड़ी गोपाल स्वरूप वाजपेयी के कृत्य पर। महिला जो वीडियो में आरोप लगा रही हैं कि सीओ साहब उनको गलत तरीके से छू रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि रात में मजा नहीं आया इसलिए हम दिन में आए हैं, महिला ने जो आरोप लगाए हम आरोपों को अक्षरशः सही नहीं मान सकते, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सैया भय एसपी तो डर काहे का, मतलब जब एसपी साहब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि महिलाएं ड्रामा कर रही हैं, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, स्टंटबाजी हो रही है, पकड़ लेंगे, घर की कुर्की कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे में सीओ साहब और थाना अध्यक्ष की इन कारगुजारियों पर अंकुश कौन लगाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान काबिले गौर है। उन्होंने कहा, जिला आजमगढ़ ग्राम पलिया के प्रधान मुन्ना पासवान के घर पर की गई तोड़फोड़ प्रशासन की दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। योगी जी, दलितों पर आपकी पुलिस द्वारा किया गया अत्याचार दलित समाज भूलेगा नहीं। मैं 19 जुलाई को पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने खुद आजमगढ़ आ रहा हूं। मतलब मामला बड़ा होगा, चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे आजमगढ़। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले पर बयान दिया है और कहा है कि यह सरकारी अमले की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है, तत्काल दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। क्या इस पूरे मामले को बेवजह तूल दी जा रही है? क्या मुन्ना पासवान के महज दलित भर होने से इस मामले को तूल दिया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिर मुन्ना पासवान ने ऐसा कर क्या दिया था? पुलिस जो अपनी थ्योरी बता रही है उसको हम अगर सही भी मान लेते हैं, वैसे सही मानने लायक लगती नहीं है। एक गांव का प्रधान अगर सड़क चलती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या लड़कियों पर फफ्तियां कस रहा है, तो वो लड़कियां हैं कहां जिन पर मुन्ना प्रधान फफ्तियां कस रहे थे या उनके साथी कस रहे थे? आखिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? फिर भी हम मान लेते हैं कि चलिए पुलिस की थ्योरी सही भी है, तो आखिर ये कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है, आईपीसी की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि अगर आरोपी इस तरह से कृत्य करता है या पुलिस टीम पर हमला कर देता है तो उसके घर की महिलाओं से अभद्रता की जाए, जेवर लूट लिए जाए, पूरा अनाज फेंक दिया जाए, घर तोड़ दिया जाए, ट्रैक्टर तोड़ दिया जाए, मतलब उसको दलित होने की पूरी सजा दी जाए, उसका आत्मसम्मान मान सम्मान पूरी तरीके से उसके मान का मर्दन कर दिया जाए। अकेले आजमगढ़ की घटना नहीं है, इससे पहले सामंतवाद के गढ़ प्रतापगढ़ के गोविंदपुर में जो पट्टी विधानसभा यानी कि कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के विधानसभा में पड़ता है, वहां पर गोविंदपुर गांव में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। नेशनल जनमत के द्वारा वो घटना बड़े जोर शोर से उठाई गई थी, तमाम सारे लोग वहां पहुंचे थे, इसके बावजूद सामंतवाद के किले को गिरा तो नहीं पाए थे लेकिन तेजी से हिला जरूर दिया था और उसकी जड़ें काफी हद तक कमजोर जरूर कर दी थी। लेकिन उसके बाद 19 अप्रैल को इसी पट्टी विधानसभा के अंतर्गत उतरास एक ग्राम सभा है जो कंधईपुर थाना के अंतर्गत आती है, उस उतरास ग्राम सभा में पुलिस ने उसी तरीके से रौद्रूप अपनाते हुए उतरास गांव के एक इंटर कॉलेज में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के घर में घुस घुस करके पूरा सामान तोड़फोड़ दिया था। कहीं से भी घटना गोविंदपुर से कमतर नहीं थी, लेकिन किसी वजह से उस समय इस खबर को हाईलाइट नहीं किया जा सका था। बाकी ये दलाल और भांड मीडिया तो खबर वैसे भी ये नहीं दिखाता। इन सारी घटनाओं के पीछे
असली वजह यही है कि तुम वर्ण व्यवस्था के क्रम में छोटी जाति से आते हो, सर उठा करके जी कैसे सकते हो। गांव में सामंतवादी मानसिकता के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ चढ़ी हुई मूछों या किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो बुलेट से चलने लग जाता है और छोटी जाति का होता है। कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जहां महज जाति के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल इस घटना में, आजमगढ़ की घटना में बृहद जांच की जरूरत है और अकेले वहां एसएसपी स्तर से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कतई नहीं है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।